यूपी में रफ्तार में चल रही तबादला एक्सप्रेस, आज दो बार आईपीएस के हुए ट्रांसफर, एक दिन में कुल 26 आईपीएस, 11 आईएएस का तबादला, आगरा, मेरठ, बरेली और शामली और कानपुर के बदले गए पुलिस कप्तान। लखनऊ में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, 11 आईएएस अफसरों का तबादला, खबर का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। यूपी में आईएएस आईपीएस के बड़े पैमाने पर तबादले, 59 पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए। फरुखाबाद में जी यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, नलकूप विभाग में फर्जी नियुक्ति कर सैलरी लेने के मामले में कार्रवाई, प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर। यूपी के गन्ना किसानों को सरकार देगी बड़ी राहत, सरकारी चीनी मिल किसानों के खातों में भेजेंगे पैसे, किसानों के खातों में 500 करोड़ रुपए का भुगतान होगा, सीएम ने गन्ना किसानों के भुगतान के दिए निर्देश। आज से सीएम योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा, जनप्रतिनिधियों से सर्किट हाउस में संवाद, पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने अक्षय पात्र मेगा किचन का किया निरीक्षण, सिकरौल में बन रहे चाइल्ड केयर सेंटर का भी किया निरीक्षण, काशी के कोतवाल बाबा के काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। काशी के कोतवाल काल भैरव के सीएम योगी ने किए दर्शन, काशी विश्वनाथ के दरबार में टेका मत्था। गुजरात दंगे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा सत्य सकुशल बाहर आया, साजिश करने वालों को मांगनी चाहिए माफी। लखनऊ में विज्ञान भारती के 5वें अधिवेशन कार्यक्रम में सीएम योगी ने लिया हिस्सा, कहा आरएसएस देशहित और समाज के लिए काम करता है। पीएम मोदी जुलाई के पहले हफ्ते में जा सकते हैं काशी, 4 से 6 जुलाई के बीच दौरा संभव, वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं पीएम। पीएम मोदी का 3 जुलाई को संभावित बुंदेलखंड दौरा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कर सकते हैं उद्घाटन। यूपी के बरेली जिला अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का छापा, 3 दिन से बाहर पड़े मरीज को कराया भर्ती, डॉक्टर्स की ब्रजेश पाठक ने लगाई क्लास, सस्पेंशन के दिए आदेश। 11 लाख लोगों को सीएम योगी ने किया वितरित घरौनी प्रमाण पत्र, कहा मुकदमेबाजी से होती थी परेशानी, अब ये परेशानी दूर हुई, 1975 से संविधान का घोटा गया गला। अंबेडकर नगर के टांडा तहसील में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरिओम पांडे ने लोगों को बांटी घरौनी, लोगों को दिया मकानों का मालिकाना। सहारनपुर की रेवंत तहसील में सभागार में लोगों को घरौनी का वितरण, बीजेपी जिलाध्यक्ष ने लोगों को बांटी घरौनी। औरैया तहसील सभागार में जिलाधिकारी ने बांटी घरौनी, डीएम ने 14 गांव के लोगों को दी घरौनी। सत्यपाल सिंह ने लिया 114 साल के बुजुर्ग का आशीर्वाद, लोगों से की बुजुर्गों की सेवा की अपील, बीजेपी सांसद बागपत जनपद की सबसे बुजुर्ग महिला से मिली, सांसद सत्यपाल सिंह ने महिला से मिलकर आशीर्वाद लिया और लोगों से घर के बुजुर्ग की सेवा की अपील। झांसी में अहिल्याबाई होलकर की जयंती के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एस के सिंह बघेल ने कार्यक्रम की शिरकत। रामनगरी में बनेगा मंदिरों का संग्रहालय, संग्रहालय के गुरुद्वारा हेमकुंड ब्रह्मकुंड के पास जमीन जनहित, प्राचीन मंदिरों की तकनीक पर हो सकेगा शोध। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे अखिलेश यादव, 27 जून को भरेंगे नामांकन, नामांकन में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मायावती का समर्थन, कहा राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने बसपा को अलग थलग किया। मायावती बोली, हमें किसी को समर्थन देने का हक है, हम किसी के पिछलग्गू नहीं है। रामपुर में मतगणना से सपा और बीजेपी प्रत्याशी में वार पलटवार, सपा प्रत्याशी ने काउंटिंग में गड़बड़ी की जताई आशंका, घनश्याम लोधी ने कहा हार की हताशा से बौखलाए हैं सपा। फरुखाबाद में युवक की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई, मेरापुर थाने के चौकी इंचार्ज समेत 7 सिपाहियों पर एफआईआर पर, जिन्होंने पुलिस की पिटाई से मौत का लगाया था आरोप। संभल में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने झोला छाप चिकित्सकों पर की बड़ी कार्रवाई, चंद्रवासी ने छापा मारकर 6 अवैध क्लिनिक किए सील, एक डॉक्टर को हिरासत में लिया। कानपुर में भीड़ को रुमाल का इशारा देकर बुलाने वाला गिरफ्तार, बाबा बिरयानी का स्टाफ अजीम चुड़ा पुलिस के हफ्ते, रिमांड पर लेकर पुलिस कर सकती है पूछताछ। प्रयागराज अटाला हिंसा के आरोपियों पर कसा गया शिकंजा, एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष शाह आलम के भाई के घर पर पीजीए का नोटिस, 29 जून तक संतोषजनक जवाब न देने पर व्यक्तिकरण की होगी कार्रवाई। यूपी में पत्थरबाजी से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, स्पेशल टीम लगाई की लगाम, पुलिसकर्मियों की स्पेशल टीम का गठन शुरू। बेकनगंज हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा, सरसौल में हयात और उसके साथियों की मुलाकात, हयात के संपर्क में था सरसौल का शातिर अपराधी, बस्ती जेल में हयात से पूछताछ करेगी एसआई। कानपुर के बेकनगंज हिंसा में गोली से घायल हुए युवक की तलाश जारी, परिजन गुप्त रूप से युवक का करा रहे इलाज, पुलिस ने कई अस्पतालों में छापेमारी की। प्रयागराज में हुए हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की पुलिस रिमांड मंजूर, जावेद बम की 2 दिनों की पुलिस हिरासत, अटाला हिंसा मामले में होगी पूछताछ। यूपी के मुरादाबाद में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध रूप से बनाए गए बारात घर को ध्वस्त किया गया, भारी पुलिस बल की तैनाती। नोएडा के सेक्टर 8 में अवैध निर्माण पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, मस्जिद के पास के इलाकों में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। नोएडा में शराब पीने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, चेकिंग अभियान चलाकर 796 लोगों का काटा गया चला।
अंसल एपीआई बिल्डर के खिलाफ ईडी का शिकंजा। ईडी ने अंसल के खिलाफ दर्ज मुकदमों का ब्यौरा मांगा। यूपी रेरा और एलडीए से भी मांगी जानकारी। अंसल एपीआई बिल्डर पर दर्ज है 150 केस। फर्जी रिमांड मामले में कार्रवाई के निर्देश। 13 रिटायर्ड कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। आवास विकास परिषद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। वृंदावन और आम्रपाली योजना में शामिल थे 11 कर्मचारी। कानपुर में हनी ट्रैप के गिरोह का पर्दाफाश। महिला दारोगा समेत 6 गिरफ्तार। डीसीपी पूर्वी कार्यालय में दारोगा भुवनेश्वरी देवी की तैनाती। लखनऊ पीयूबीजी हत्याकांड, पबजी हत्याकांड का मामला उलझा। अपनी थ्योरी में उलझी है पुलिस। नए सिरे से मामले की जांच कर सकती है पुलिस। मां की हत्या का आरोपी बेटा पुलिस रिमांड पर। किशोर न्याय बोर्ड से मांगा गया अतिरिक्त समय। गाजियाबाद के संगम विहार इलाके में परचून की दुकान में लगी आग। दुकान के अंदर काम कर रहा व्यक्ति बुरी तरीके से झुलसा। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। मेरठ में फर्नीचर शोरूम में आग लगी। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। पीलीभीत बरेली हाईवे पर चलती कार में लगी आग। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस बीच सड़क पर बनी आग का गोला। बस में करीब 70 से 80 यात्रियों के सवार सभी सुरक्षित। बुलंदशहर में स्कूल में झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो वायरल। दिवाई इला ब्लॉक के नंगला चरौरी गांव के प्राथमिक स्कूल का मामला। सहारनपुर में कलसिया की पूर्वी यमुना नदी में मौत की छलांग। युवकों की छलांग लगाते वीडियो वायरल। कासगंज में थाना दिवस के दिन 5 थानों में नहीं पहुंचा एक भी लेखपाल। खाली पड़ी रही तो ये कुर्सियां फरियादी करते रहे इंतजार। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में 2 अंतर जनपदीय बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। हरदोई में रिश्वतखोर फार्मिस्ट पर कार्रवाई। सीएमओ ने सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई का दिया आदेश। महिला से मेडिकल रिपोर्ट बनाने की एवज में ली रिश्वत। पीएम मोदी का संभावित बुंदेलखंड दौरा। 3 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेस से कर सकते हैं उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे से पहले अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने लिया जायजा। आगरा में महिला हत्याकांड मामले में सबूत मिटाने का पूरा वीडियो आया सामने। पति आकाश गौतम ने की सबूत मिटाने की कोशिश। एटा में बिजली चेकिंग के दौरान विद्युत कर्मियों से अभद्रता और मारपीट। बिजली चोरी की शिकायत पर जांच के लिए गई थी विद्युत कर्मियों की टीम। कानपुर में एक हाथ में पिस्टल लेकर मनाया जन्मदिन का जश्न। जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। काकादेव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। लखनऊ में बदमाशों ने वीरेन ठाकुर नाम के युवक की गोली मारकर की हत्या। बदमाशों ने घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। सीतापुर में नहर में नहाने गए एक युवक डूबा। गोताखोरों की मदद की। युवक की तलाश जारी है। भदोई में अवैध तरीके से रखे गए हाथी को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। वन विभाग ने हाथी को वाइल्ड लाइफ संस्था मथुरा भेजा। मौके पर लोगों ने हंगामा किया। गाजियाबाद के रसीपुरा इलाके में युवकों में जमकर चाकूबाजी। आपसी लड़ाई में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। एटा में 65 वर्षीय वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बदायूं में पति ने मामूली विवाद में पत्नी की गला काट कर की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। अयोध्या में 2 युवकों की हत्या के मामले का खुलासा। युवती से अवैध संबंधों के चलते हत्या की वारदात को दिया अंजाम। औरैया में ऑटो के आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल। ललितपुर में एक अधेड़ दंपति ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। पुलिस ने मामले की शुरू की जांच पड़ताल। चंदौली में अनियंत्रित तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकराई। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। निवेश को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। राज्य में निवेशकों को बुलाए सरकार। पहाड़ पर पूरा होगा उद्योगों का सपना। सीएम धामी ने किया रुद्रपुर का दौरा। आपातकाल के दौरान जेल गए सेनानियों को सम्मानित किया। ईडी के फेर में फंसी कांग्रेस अग्निपथ के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। 27 जून को पूरे उत्तराखंड में सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। पश्चिमी यूपी में पुलिस के डर से भाग रहे बदमाश उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में कहर बरपा रहे हैं। लक्सर कोतवाली इलाके करीब आधा दर्जन दुकानों में की चोरी की वारदात। रुड़की में 6 साल की बच्ची और उसकी मां के साथ गैंगरेप। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित। रुड़की के भगवानपुर थाना इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या। 2 पक्षों में किसी बात को लेकर हुआ विवाद। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है। उत्तरकाशी में कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी पक्की सड़क नहीं पहुंची। 9 गांव विकासखंड के 3 ऐसे ही गांव हैं। यूपी के रामपुर से काठ गोदाम को जाने वाले नेशनल हाईवे पर चौड़ीकरण का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे मॉनसून सीजन में लोगों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ेगी।
अमित शाह से सिंधिया फडणवीस की मुलाकात, वडोदरा में कल रात हुई तीनों के बीच मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर, कल पूरी रात खुला था वडोदरा एयरपोर्ट। कल रात गुवाहाटी से गुजर गए थे एकनाथ शिंदे, सूत्रों के मुताबिक देर रात फडणवीस से शिंदे की ओर मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक शिंदे के साथ फडणवीस की गुप्त बैठक हुई, सुबह गुजरात से गुवाहाटी के लिए हुए रवाना। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक के बाद बोले संजय राउत, गद्दारों को पार्टी में नहीं लेंगे, बाल ठाकरे का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। संजय राउत ने कहा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, बागियों पर कार्रवाई उद्धव ठाकरे करेंगे, शिवसेना बाल ठाकरे की थी और रहेगी। मुंबई में शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 6 प्रस्ताव पास, पहला प्रस्ताव सभी फैसला उद्धव लेंगे। दूसरा प्रस्ताव बाला साहब के नाम का गलत इस्तेमाल न हो, बागियों पर कार्रवाई करे उद्धव, चुनाव आयोग जाने का भी फैसला। शिंदे पर उद्धव का बड़ा हमला, कहा हिम्मत है तो शिंदे अपने पिता के नाम पर वोट मांगे, शिंदे पहले नाथ थे अब दास हो गए। बीजेपी को लेकर उद्धव ठाकरे का हमला, कहा बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, जिन्होंने मेरे परिवार पर सवाल उठाए उनके साथ नहीं जाऊंगा। शिवसेना में बगावत पर एनसीपी नेता का बड़ा आरोप, कहा हॉर्स ट्रेडिंग में हर बागी विधायक को 50 करोड़ दिए गए। शिवसेना के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर का नोटिस, डिप्टी स्पीकर ने पूछा आपको निलंबित क्यों ना किया जाए। ठाणे के उल्हास नगर में शिवसैनिकों की तोड़फोड़, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के दफ्तर में तोड़फोड़। शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा, हम ही असली शिवसैनिक, हम ही असली शिवसेना, एकनाथ शिंदे हमारे नेता हैं। दीपक केसरकर ने कहा, 55 में से 2/3 बहुमत हमारे साथ है, बगावत हमारा फैसला, हम किसी के बहकावे में नहीं आए। मीडिया के मंच पर चीन सीमा विवाद पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं जाने देंगे। गुजरात दंगों पर अमित शाह की दो टूक, कहा पीएम मोदी पर सभी आरोप राजनीति से प्रेरित थे, विपक्ष ने झूठ के जरिए सनसनी फैलाने की कोशिश की। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने हमेशा कानून का साथ दिया, चुपचाप सहे सारे आरोप। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मोदी से एसआईटी पूछताछ के दौरान कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, गुजरात दंगे को राजनीतिक चश्मा देखा गया है। अमित शाह ने कहा कि ट्रेन जलाने की वजह से दंगे हुए, आगे के दंगे राजनीति से प्रेरित थे, विपक्ष एनजीओ ने मिलकर राजेश रची। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, ट्विटर पर मोदी के 8 करोड़ फॉलोअर्स 2009 में बनाया था। वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर एनएसयूआई ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, सीपीआई मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। रूसी फौज पर यूक्रेनी सेना का जबरदस्त पलटवार जारी, रूसी सैनिकों पर की ताबड़तोड़ बमबारी। यूक्रेन के एजियम में रूसी सेना का कैदा जारी, एजियम में बड़ी संख्या में जुटे हैं रूसी सैनिक, लगातार लगा रहे हैं गश्त। माइकोलाइव में हुए बड़े हमले की तस्वीरें आई सामने, रूसी सेना ने किया हमला, दूर दूर तक नजर आए धुआं का गुबार। दुश्मन सेना के हथियारों को लगातार निशाना बना रही है यूक्रेनी सेना, रशियन आर्मी के कई हथियारों को जंग के मैदान में किया तैनात। पंजाब के मोगा के डाला गांव में फायरिंग, पंचायत सचिव के घर के बाहर अज्ञात लोगों ने 4-5 राउंड फायरिंग की। समंदर किनारे अक्सर लोग बैठकर आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन इस शख्स को समंदर किनारे आराम नहीं सैंड आउट करना पसंद है। एक्सीडेंट के बाद कई बार लोग सदमे में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ ये शख्स एक्सीडेंट के तुरंत बाद डांस करने लगा है। जानवरों के मालिक के बीच हमेशा ही एक खास रिश्ता देखने को मिलता है, इस वीडियो को ही आप देख लीजिए। इस बिल्ली के मालिक को बाइक चलाना बेहद पसंद है, वो अपने साथ सफर में पत्नी पालतू बिल्ली लेकर गया है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे कई वीडियो देखने को मिलते हैं जहाँ लोगों के प्रोडक्ट से ज्यादा अनोखा उनका बेचने का अंदाज होता है।